अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को, अहमद शाह का सलाम। आज हम एक और टॉपिक, एक और लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो दरअसल सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का एक और शॉर्ट नोट है, जिसका नाम है टिन प्लेटिंग। याद रहे, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट का एक सिलसिला चल रहा है और सर अहमद शाह आपसे मुखातिब है, लिहाजा टिन प्लेटिंग से मुतालिक बात करना चाहेंगे। एक ऐसा अमल जिसपे हम किसी भी मेटल जिसपे रस्टिंग आ सकती है, उन्हें रिएक्टिव मेटल्स का नाम देते हैं, या मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, लाइक आयरन। इन चीजों पे रस्ट जल्दी लग जाता है, लिहाजा इनको बचाने के लिए प्रिवेंशन टेक्निक आपने अलग से पढ़ी। लेकिन आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि टिन प्लेटिंग क्या है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने ये बात देखी थी कि आयरन के ऊपर अगर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया था गैल्वेनाइजिंग। इसी तरह से स्टेनस, जिसको अंग्रेजी में टिन कहा जाता है और ग्रीक लैंग्वेज के लैटिन लैंग्वेज में इसको स्टेनस SN का नाम दिया जाता है। लिहाजा किसी भी मेटल पर टिन की लेयर को डिपॉजिट करने का काम टिन प्लेटिंग कंसीडर किया जाता है। अब बेटा, इसके दो टेक्निक्स हैं। आप में से कुछ बच्चों ने ये टेक्निक आपने घरों के इर्द गिर्द होती हुई देखी होगी, लेकिन ज्यादातर बच्चे शायद इससे वाकिफ नहीं है। जैसा कि कॉपर के बर्तनों को पुराने जमाने में आप लोगों ने खलई करने का नाम दिया, और फिर कुछ लोगों ने अपने उर्दू की बुक में एक टॉपिक पढ़ा था मामा अजमत डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल के अंदर, तो मामा अजमत किस तरह से सगीरा और अकबरी और असगरी वाली कहानी में वो जाकर बर्तनों पे कलई करवाती है। तो लिहाजा उस कलई करने का मकसद है मैकेनिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस में काम क्या किया जाता है? काम पहले किया जाता है कि आयरन की शीट अगर मौजूद है या माइल्ड स्टील की शीट है, उसको पहले बेटा गर्म मगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करके निकालते हैं, ताकि उस पर लगने वाली ऑक्साइड की लेयर खत्म हो जाए। उसके बाद इस शीट को पानी से धोया जाता है, ड्राई किया जाता है, और फिर उसके बाद इसको डिप करते हैं एक ऐसे बर्तन में जिसमें पिघला हुआ टिन मौजूद होता है। कुछ देर के बाद निकाल कर उसके बाद इस शीट पर जो इजाफी सुपर फ्लॉस टिन लगा था, उस शीट को बेटा रोल या रोलर की मदद से उतार दिया जाता है। ये आम स्टील के बर्तनों या लोहे के बर्तनों का काम किया जाता है। जैसा कि आपने देखा है कि जी देगों के ऊपर एक सफेद सी लेयर आपको बाहर नई देगों पे चमकती हुई नजर आती है, बेसिकली वो मेटल आयरन की बनी हुई है, उसके ऊपर कलई कर दी गई, लिहाजा वो कलाई में टिन प्लेटिंग ऑन आयरन। आमतौर पर बेटा तरीकेकार जमाने माजी में इस्तेमाल किया जाता था। कॉपर या ब्रास के बने हुए जो घरेलू बर्तन थे, उन्हें किस तरह से कलई किया जाता है? तो सबसे पहले उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उस पर बेटा अमोनियम फ्लोराइड, जिसको उर्दू में नोशादर कहा जाता है, अमोनियम फ्लोराइड को उस पर रगड़ते हैं। अमोनियम फ्लोराइड जो काम वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड ने आयरन पर किया था, वही काम ब्रास पे लगने वाली ऑक्साइड की लेयर अमोनियम फ्लोराइड को एक कपड़े में लेकर उस बर्तन पर रगड़ते हैं। जो बर्तन गर्म होता है उस पर उससे ऑक्साइड की लेयर हट जाती है। उसके बाद एक मामूली सी मकदार में टिन मेटल सॉलिड छोटे छोटे टुकड़े उसको बेटा लेकर उसकी गर्म सतह के ऊपर छिड़कते हैं और उसको रगड़ते हैं। एक खास किस्म का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टाट की बोरी, जिसको बेटा हम नाम देंगे गाउस। एक तरह से इस टुकड़े को चेमोस का नाम देंगे। इस टुकड़े में हमने लिया पहले टिन का पाउडर या टिन मेटल और उसको लेकर उस गर्म सतह पर रगड़ना शुरू कर दिया। वो चीज पिघल कर उसकी सरफेस पे स्टिक हो जाती है और फिर उसके ऊपर अमोनियम क्लोराइड डालकर उसको रगड़ते हैं। इस तरह से वो चीज साफ हो जाती है। आमतौर पर रग ही कहा जाता है उन टुकड़ों को, जिसको हम टाट का टुकड़ा कह रहे हैं या कालीन का टुकड़ा जो रफ सरफेस रखता हो, उस तरह से हम इसके ऊपर ये काम कर लेते हैं। तो ये मैकेनिकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैकेनिकल मेथड फॉर द टिन प्लेटिंग आपने यहाँ पर देखी। आइए जरा देखते हैं कि इसको ये हम एक वीडियो क्लिप के जरिए वाजे करते हैं कि किस तरह से ये काम किया जा रहा है, लिहाजा अगली बात में आपको वीडियो क्लिप नजर आएगी। देखिए, इस क्लिप में आप लोगों को एक चीज नजर आएगी और वो सिंपल से टेक्निकल पार्ट है, जिसको भी अपनाते हैं मैकेनिकल मेथड फॉर द टिन प्लेटिंग। इस मैकेनिकल मेथड को आप लोग देखिए किस तरह से काम हो रहा है। खामोशी से इस क्लिप को देखिए, जो बातें मैंने भी आपसे कही। पहले बर्तन को गर्म किया गया, गर्म करके उसको अमोनियम क्लोराइड से रगड़ा गया और फिर अमोनियम क्लोराइड से रगड़ने के बाद उस पर सॉलिड टिन के टुकड़ों को एक रग या फिर एक मोटे कपड़े
सतह से लेकर रगड़कर उसकी सतह पर चिपका देते हैं, फिर मजीद अमोनियम क्लोराइड लगाकर इसको चमका देते हैं। अब ये तमाम चीजें आपको इस बेटिंग प्लेट में नजर आएंगी। ये बर्तन गर्म किया जा रहा है, ये ब्रास एक कॉपर का बना हुआ बर्तन है। इस तरह से इसको पहले बर्तन को गर्म किया जा रहा है, जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। जब बर्तन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर हम अमोनियम क्लोराइड को एक टाट के टुकड़े से उस पर रगड़ता हुआ देखेंगे। अब ये बर्तन गर्म हो चुका है, ये अमोनियम क्लोराइड इसके ऊपर छिड़का जा रहा है NH4Cl। और देखिए ये एक रफ सरफेस वाले टुकड़े से, कपड़े के टुकड़े से इसकी सतहों को रगड़ा जा रहा है, जो गर्म बर्तन पर अमोनियम क्लोराइड और टिन का मटेरियल एक साथ लेकर रगड़ रहे हैं। अब देखिए अब इसके ऊपर जो मजीद गर्म था, इस जगह पर हुई अमोनियम क्लोराइड और टिन का मटेरियल सॉलिड पार्ट इस पे डालकर उस रफ सरफेस वाले कपड़े से इसको रगड़ लें और ये टिन इसकी गर्म सतह पर जाकर आसानी से चिपक जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड मैकेनिकल टेक्निक और मैकेनिकल मेथड फॉर टिन प्लेटिंग। ओके, अभी आपने मैकेनिकल मेथड के जरिए टिन प्लेटिंग का तरीकेकार देखा। अब मैं और आप देखना चाहते हैं या पहले पढ़ना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रोसेस करंट के जरिए किस तरह से टिन की शीट को आयरन पर या किसी भी मेटल पर डिपॉजिट किया जाएगा। एक काम करंट के जरिए होगा, इलेक्ट्रिकल करंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द आयरन शीट आफ्टर क्लीनिंग वॉशिंग एंड ड्राइंग आर सस्पेंडेड इनटू अ बाथ कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, यानी एक ऐसा सॉल्ट चाहिए स्टेनस का जो वाटर सॉल्युबल होगा, लिहाजा HCl को मिक्सर मिलाकर इसको एसिडिफाइड कर दिया गया। उसके बाद ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है। जैसा आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में ब्लिस्टर कॉपर की तैयारी में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होता देखा था, अब बेटा प्योर टिन की प्लेट या प्योर टिन का मटीरियल एनोड बनाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लाकर जोड़ेंगे और जिस शीट के ऊपर इसकी कोटिंग करनी है जैसा कि आयरन शीट, उसको कैथोड बनाएंगे। अब जब करंट पास होगा तो होता यह है कि प्योर टिन अपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर टिन के आयन Sn+2 आयन बनाएगा। करंट के जरिए ये आयन सॉल्यूशन में जाकर कैथोड की तरफ ट्रेवल करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉनों का रिडक्शन। इस तरीके से उस आयरन शीट के ऊपर एक जितनी देर तक करंट गुजरता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता थिकनेस ऑफ टिन मटेरियल बढ़कर उस आयरन शीट पर चिपकता चला जाएगा। आमतौर पर ये एप्लीकेशन जो हम करंट के जरिए कर रहे हैं कि द कोटेड आयरन टिन कोटेड आयरन एंड कॉपर शीट आर दस यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग ऑयल कंटेनर्स एंड हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, ठीक है। लिहाजा अब हम इस चीज को एक क्लिप के जरिए देखेंगे किस तरह से ये काम किया गया। जी, अब आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल टेक्निक है फॉर द टिन प्लेटिंग ऑन द मेटल सरफेस। देखिए ये तमाम के तमाम वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर हमने टिन की प्लेटिंग करनी है। इनको हमने कैथोड बनाया हुआ है, नीचे बचा यहाँ पर एनोड, टिन की शक्ल में मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है और साथ साथ एनोड के तौर पर मेटल की रॉड्स की तरह होगा। देखिए ये जो आपके पास ये जो इंचेस दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास टिन की प्लेट्स हैं जो एनोड के तौर पर लटकाई गई हैं। स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl का सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए जो काम मैंने आपसे कहा था वो आप यहाँ पर इस क्लिप के अंदर देख सकते हैं। अब इसको डिप किया गया, ये इस पर आयरन के हिंजेस आपको नजर आ रहे हैं। ये मुकम्मल तौर पर डिप करके थोड़ी देर इंतजार किया जाएगा। जितनी देर तक हम करंट इसमें से गुजारते रहेंगे उतनी देर तक आप देखेंगे कि इस पर टिन की प्लेटिंग चढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल भी किया जा रहा है और ड्यूरेशन या टाइमिंग भी सेट की जा रही है। सॉल्यूशन है स्टेनस क्लोराइड का,
और एनोड बनाया गया टिन का, जबकि कैथोड उस मेटल को जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जानी है। अब हम इसके कुछ देर के बाद देखिए, यहाँ पर वोल्टेज करंट गुजर रहा है और फिर टाइम पैसा एम्पियर करंट के साथ साथ भी नजर आएगा। इस तरह से आपने इन तमाम टेक्निक को देख लिया है, किस तरीके से मैकेनिकल मेथड है टिन प्लेटिंग के लिए, किस तरह से इलेक्ट्रिकल मेथड है टिन प्लेटिंग के लिए। लिहाजा ये शॉर्ट नोट के तौर पर जब पूछा जाएगा तो आपके कंप्लीट चीजें ए और बी दोनों पार्ट्स आपने इसको लिखने हैं। आज की क्लास का अहतमाम यहीं पर करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे सिल्वरिंग और मिरर की बात की जाएगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।